दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जिस तरह ये वेबसाइट आपको दिख रहा है, ईजेड ग्रोसरी के नाम से है। इस तरह की वेबसाइट अगर हम बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम इजीली हम इस तरह की वेबसाइट जो है बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए, ये वूकॉमर्स की एक वेबसाइट है। आप यहाँ पे कोई भी वर्ड सर्च करें, कुछ भी वर्ड सर्च करें, आप उसको उस वर्ड के रिलेटेड जो है आपको टॉपिक मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक वर्ड भी सर्च करना तो जैसे उससे एक और एक वर्ड, दो वर्ड, उससे रिलेटेड जो भी कुछ होगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपको आपको जिसमें डैशबोर्ड पे आ जाएगा। ठीक, जैसे कि मैंने अभी ई सर्च किया था तो यहाँ पे ये आ गया। अभी मैं ए सर्च करता हूँ, वर्ड ए सर्च करता हूँ, ए में बहुत सारे वर्ड होने चाहिए, जैसे पपाया। ठीक है, दो वर्ड मैंने सर्च किया तो बहुत सारे आ गया। तो इस तरह दस दस प्रोजेक्ट आ जाएगा। ये ग्रोसरी की शॉप है। तो इस तरह की वेबसाइट अगर हमें बनाना हो तो हम किस तरीके से बना सकते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये कि आप कोई भी ग्रोसरी की जो वेबसाइट चूज़ करें तो आप उसको क्या नाम है, एक वो वेबसाइट चूज़ कीजिए जो आप जिस नाम से आप बनाना चाह रहे हो, यानी जो ग्रोसरी की जो वेबसाइट जो भी बनाना चाह रहे हैं आप, उसकी तरह से आप वेबसाइट चूज़ कीजिए, यानी डोमेन चूज़ कीजिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक डोमेन चूज़ कीजिए। अब डोमेन कहाँ से लेंगे? डोमेन के लिए सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है, वो डोमेन के लिए आपको मिल जाएगा गोडैडी। गोडैडी डोमेन के लिए बेस्ट वेबसाइट, सिर्फ डोमेन बुक करने के लिए बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ पे डोमेन बड़ा इजीली मिल जाते हैं और चीप एंड बेस्ट मिल जाते हैं। हाँ, इसके बाद अगर बात करें आपके सर्वर की, तो सर्वर का अगर आप ज़्यादातर लें तो सर्वर आप ए टू होस्ट से लें तो वो बेटर है। मैं आपको सारी वीडियो के नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ए टू होस्ट से लें, यहाँ की जो सर्वर होती हैं कि वो बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव होते हैं। आप यहाँ के सर्वर अगर ले सकते हैं, स्टार्टिंग में आप सर्वर के शेयर से स्टार्ट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप। लेकिन अगर आप मल्टी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो मल्टी वेबसाइट के लिए शेयर के अंदर ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। हाँ, दो तीन पैकेज है, आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं, स्विफ्ट, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं, ये पॉपुलर है। इसमें आप मल्टी वेबसाइट ये कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। बट इस केस में अगर आप स्टार्टअप प्लान लेते हैं, लाइट प्लान लेते हैं, तो इस प्लान में आपको एक ही वेबसाइट का मिलेगा। उसका ये इसमें SSD मिलेगा, अनलिमिटेड SSD होगा। 25 ईमेल ID, बिजनेस ईमेल ID मिलेगा, यानी आपका नाम, उसके बाद @domain.com, इस तरह के जो ईमेल ID होते हैं बिजनेस के लिए वो मिलेगा। इसके अलावा आपके इसमें क्या, अगर आप साइट को माइग्रेट करना चाह रहे हैं, डोमेन माइग्रेट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें एक cPanel मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें cPanel आपको SSL आपको दिया जाएगा। इस पैनल के साथ साथ आपको SSL दिया जाएगा। आप SSL आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप एनी टाइम आप इसको मनी बैक कर सकते हैं। यानी मान लीजिए 3 महीने तक इसकी गारंटी होती है कि 3 महीने तक करेंगे तो फुल मिलेगा, और 3 महीने के बाद अगर करेंगे तो आपको, अगर इसको रिटर्न करना चाहेंगे तो आपको उसमें से काट के दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक बार एक तो SSD है, दूसरी चीज़ है SSL की है। SSL ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके सर्वर जो फास्ट फास्ट होते हैं, तो आप ये वाले होस्टिंग यहाँ से आप बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आपका एक थीम का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। वो आपका जो थीम है वो पेन न्यूज़ के नाम से थीम है। ये मल्टी बंडल है इसके अंदर का, ये बहुत पॉपुलर थीम है, ये थीम है। यह अभी ऑफ़र चल रहा है, 35 के नाम से अभी चल रहा है। बट आपको मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप अगर चाहेंगे तो आप इसके जो जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप खुद भी बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं, या फिर का आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम आपको पूरे गाइड को बताएंगे किस तरह से आप बाय करेंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। ये भी मैं आपको बता दूंगा, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। तो यहाँ पे का ये थीम आपको चाहिए। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं इस थीम के अंदर, ये सब चीज़ें कस्टमाइज़ हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो हमने क्या अलग ये ऑटोमेटिकली किया हो, सब चीज़ कस्टमाइज़ हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं सारी चीज़ें कस्टमाइज़ हैं। देखिए कितना खूबसूरत से लग रहा है और देखने में अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा इस तरह किस तरह से करना है, नहीं करना है, और कहाँ से किस तरह से करना, पूरा मैं इसका ओवरव्यू बताऊँगा।
ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो तीन चीज़ें हो गई, एक तो आपका आपका डोमेन की हो गई, दूसरी होस्टिंग की हो गई और तीसरी एक थीम की हो गई। ये हमें रिक्वायरमेंट जो चीज़ें हैं ये रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट के कुछ चीज़ें हैं वो प्लगइन्स वगैरह हैं, कुछ प्लगइन्स हैं जो प्लगइन्स का हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बटन है ये इस बटन के लिए भी एक प्लगइन रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो देख रहे हैं चैट का सेशन है, इसके लिए भी एक प्लगइन्स रिक्वायरमेंट है। ये टॉक टू डॉट ट्यू के नाम से एक प्लगइन है, वो आप इसको इंस्टॉल करके कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर आइए, ये तो अब आपके फ्रंट एंड की बात थी कि इसमें फ्रंट एंड हमने किस तरह से किया है नहीं किया है, ये तो मैंने आपको बता देगा फ्रंट एंड की भी ये बात है। लेकिन अगर आप इसके बैक एंड में समझना चाहेंगे कि किस तरह से करना है नहीं करना है, तो वो मैं पूरा क्या इसका प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि आप उसको देखिए अच्छे से कीजिए। अगर आपको चाहिए तो इसका जो भी इमेज हैं जो भी के पिक्चर्स वगैरह हैं अगर आप पिक्चर्स लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या आप बेटर ये कि आप खुद अपनी चीज़ें यूज़ करें तो वह सबसे ज़्यादा बेटर है, दूसरों की चीज़ें यूज़ ना करें, क्योंकि गूगल को ये पता चल जाता है कि आपने कहाँ से कॉपी किया है नहीं किया, ये पता चल जाता है। ठीक है, तो खैर अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अभी इसका एडमिन पैनल में लॉगिन करता हूँ। इसका मल्टी एडमिन एडमिन है, आप अगर ये रिस्पॉन्सिव भी है ये वेबसाइट, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिव अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से देख सकते हैं किस तरह से रिस्पॉन्सिव है नहीं है। इसका मल्टी पेजेस भी हैं इसमें, ये आप देखिए इसमें कि आप मोबाइल में लेंगे तो मोबाइल की तरह से ये ढलेगा, मोबाइल में दिखेगा जिस तरह से ये मोबाइल में दिखेगा, ठीक है, इस तरह से मोबाइल में दिखेगा आपको। ठीक, तो इसका क्या मल्टी पेज है, इस तरह का आपको मोबाइल में दिखेगा। ठीक है, इसका एक मोबाइल के नाम से भी पेज बना हुआ है, तो आप अगर चाहें मोबाइल के लिए तो मोबाइल के लिए अलग कर सकते हैं, और डेस्कटॉप में करना चाहें तो डेस्कटॉप के लिए अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी जैसा भी पेज बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। ये दूसरा पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ होम के नाम से, ये दूसरा पेज है। ठीक है, तो ये मल्टी पेजेस का पेजेस वाली वेबसाइट है। ठीक, तो अब मैं इसके बैक एंड में जाता हूँ, तो मैं इसका बैक एंड पे एडमिन डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ ऑलरेडी, देख सकते हैं। ये अभी तक जो सेल्स वगैरह हुए हैं कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट जो प्लगइन है जो ज़रूरी प्लगइन है, पहले मैं उस प्लगइन के बारे में बात कर लूँ जो कौन कौन से प्लगइन है जो इस वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने होम पेज इसमें दो होम बना रखा है, एक होम तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला है, ये अभी जो दिख रहा है ये वाला है, दूसरा होम अगर आप यूँ सर्च करेंगे तो मल्टी होम पेज आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से बनाना चाहे बना सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा हो ये वॉलेट सिस्टम है, अभी तक मैं लॉगिन नहीं था इसलिए वॉलेट सिस्टम का दिख नहीं रहा था, बट आपको यहाँ पे दिख रहा है वॉलेट सिस्टम है, यानी अगर आप पैसे भी किसी को ऑफ़र देना चाहेंगे कैशबैक की शक्ल में तो आप कैशबैक भी देख सकते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है, हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे हम किस तरीके से इस तरह की वेबसाइट जो है बनाएंगे। ठीक, तो आइए इसके लिए जो प्लगइन की रिक्वायरमेंट है वो कुछ प्लगइन है जो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये सर्च कॉमर्स के नाम से प्लगइन है, एक ऑल इन और माइग्रेशन के नाम से है, इसके बाद ये प्लगइन जो हमने रखा है ईजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से एक प्लगइन है, ये एक्स्ट्रा प्लगइन है जो इस थीम के अलावा है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक जो एक प्लगइन जो यूज़ किया गया है वो प्लगइन है आपका वूकॉमर्स की प्लगइन है, वूकॉमर्स की प्लगइन इस थीम में नहीं है बट आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बहुत दिनों से मैंने इसको ओपन नहीं किया था इसलिए कि इस तरह अपडेट मांग रहा है, तो आप अपडेट करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो
ये वूकॉमर्स से कुछ प्लगइन्स हैं। तो ये बहुत सारे प्लगइन्स हैं। अगर मैं प्लगइन्स की टोटल में बात करूँ तो इसमें तकरीबन 48 प्लगइन्स हैं, ठीक है। उनमें से कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं जिसको मैंने क्या इसमें यूज़ किया है, और कुछ प्लगइन ऐसे भी हैं अभी इस पर पड़े हुए हैं जो मैंने यूज़ नहीं किया है। ऑलमोस्ट अगर आप बात करें तो 43 प्लगइन्स हैं आप यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है अभी आपको, ठीक है। तो ये सारे प्लगइन्स आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक दो प्लगइन की है, जैसे कि ये वाले हैं, ये वाले प्लगइन हैं। इसका जो बैकएंड है वो बैकएंड किस तरीके से, कोई ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो ऑर्डर किस तरीके से होगा वो मैं आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ। इसमें तो मैंने एक लॉगिन कर रखा है, इसलिए मैं इसका दूसरी जो इसका मैं प्राइवेट विंडोज़ पे ले जाता हूँ, उसका दिखाता हूँ कि जिसके लॉग जब इसको ऑर्डर करना चाहें। जैसे सपोज़ कि मुझे बनाना लेना हो तो बनाना पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने यहाँ पे चूज़ करना है हमें क्या क्वांटिटी कितनी लेनी है, 4 पीस। ये पीस के हिसाब से बनाना बिक रहा है यहाँ पे। 3 पीस की कीमत अलग है, 12 पीस की कीमत अलग है। जैसे 12 पीस की कीमत यहाँ 50 रुपये दे रहा है, तो मैं इसमें ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट करते ही आपको यहाँ पे लेकर आ जाएगा, ये डैशबोर्ड पे लेकर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से चेकआउट करें, इस तरह से जितने भी आप लेना चाहें ऐड टू कार्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो लेके आ जाएगा। इसमें दो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ ये है कि इसमें लॉगिन करना है या फिर आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप इनमें से किसी कोई भी एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं। तो मैं किसी एक को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ये अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, ये अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसका तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, उसका यहाँ पे एक पे ऑनलाइन का है, जो आपको दिल करे आपको करना चाहे कर सकते हैं। जैसे कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि आपको डेट चूज़ करना पड़ेगा, आपको किस डेट पर लेना है, ठीक है, वो भी चूज़ करना पड़ेगा आपको, ज़रूरी है। लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी भी ज़रूरी है, तो अब मैं कोई सा भी डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, तो क्या कर रहा है ये, कुछ फील्ड रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसमें टेक अवे का भी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ये ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ऑर्डर प्लेस हो गया। इसका जो भी कैश ऑन कैश कुछ ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर प्लेस कर दी। अब इसके बाद मैं यहाँ बैकएंड में आ जाता हूँ, देखता हूँ ये मेरा ऑर्डर जो अभी मैंने किया वो ऑर्डर आया या नहीं आया। तो इसके लिए यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये आलम खान के नाम से ये ऑर्डर आ चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो खैर यहाँ पे आपका ऑर्डर दिख रहा है, तो अब मैं इस सिलसिले में बात करना चाहूँगा। जैसे आज के डेट में लॉकडाउन का दौर है, आप इस दौर में भी अगर आप ग्रोसरी की चीज़ें यूज़ करना चाह रहे हैं, ग्रोसरी ऑनलाइन की चीज़ें रखना चाह रहे हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, मतलब जो लोगों के डेली यूज़ की चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इस सारी चीज़ें। आज जैसे लॉकडाउन पे अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, जैसे दाल से जो इंसान की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो आप बिल्कुल इजीली घर बैठे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो जैसे कि अभी देख रहे हैं कि इधर 2-3 दिन में ऑर्डर बहुत ज़्यादा आया है। ये वेबसाइट असल में बनाया गया था, बट इसमें अभी काम नहीं हो रहा, इसलिए इस पर ऑर्डर जो हैं आ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहा है बंदे, जो ऑनर है इसका जवाब नहीं दे। देखे 1-2 दिन में कितना ज़्यादा कितना ऑर्डर आया, ये 8 मिनट पहले आया है ऑर्डर, ये 35 मिनट पहले, मैंने आज के ये हैं सब है। तो मतलब इस पर काम नहीं हो रहा, बट फिर भी लाइव कर रखा है इसलिए इस तरह के ऑर्डर आ रहे। देख रहे हैं इन्होंने 2000 तक का ऑर्डर किया है एक ही बंदे ने, ठीक है। तो खैर इस तरह के ये मुंबई की वेबसाइट थी, बट वो ऑनर अभी काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो खैर मैं बात कर रहा हूँ आगे की तरफ, इसका हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेंसिल न्यूज़ के नाम से, कि एक प्लगइन से जो यूज़ किया गया है, थीम से जो यूज़ किया गया है, इसके अंदर 12-15 प्लगइन्स है इस थीम में। क्या इस पर ये सारे प्लगइन्स आप यहाँ पे देखना चाहें देख सकते हैं। इसमें 12 प्लगइन्स है, उनमें से एक प्लगइन जो अनइंस्टॉल है तो इसलिए वो दिखा रहा। उसके बाद इसमें डेमो आपको मिल जाएगा बहुत सारे, बट आप डेमो इंपोर्ट ना करें तो बेटर है। इसमें ट्रैकिंग का ऑप्शन है, तो बहुत इसमें हर एक तरीके से अलग अलग तरीके से किया गया। अगर ट्रैक करना चाहें तो ट्रैक किस तरह से करेंगे, तो इसमें सारी चीज़ें की गई हैं, दिखाया गया है।
इसका लोगो जो कहें आपके वो लोगो भी डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो दिखाया गया है ये जो एरिया है, ये एरिया है वो वाली है। तो अब मैं एक एक करके आ जाता हूँ, जैसे कि ये होम पेज है, होम पेज मैंने दो तरीके से बना रखा है, एक ये होम पेज जो अभी दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा जो आप कहाँ से किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लोगो की बात कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे सर्च बार की बात कर लेता हूँ। ये सर्च बार कस्टमाइज है, मतलब ये मैंने खुद से सर्च बार लगाया है, जो अब मैनुअली होता है उसके अलावा लगाया है, ठीक है। तो इसके लिए जो प्लगइन यूज़ किया गया वो प्लगइन मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ऑर्डर का जो आपको लोगो और सर्च बार लगाना है वो कहाँ से लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे, सबसे पहले अपेयरेंस में आएंगे, ये आपका डैशबोर्ड आ गया। सबसे पहले अपेयरेंस में आते हैं, अपेयरेंस में आने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको कस्टमाइज अपेयरेंस, उसके बाद कस्टमाइज, कस्टमाइज में क्लिक कर लेता हूँ। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मिलेगा वो साइट आइकन के नाम से होगा, और उसके बाद यहाँ पे हेडर के नाम से होगा, लोगो के नाम से होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं, तो आप यहाँ पे देखिए लोगो एंड हेडर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये लोगो है आपको, जो लोगो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं सर्च बार की तरफ, जो सर्च बार आपको कहाँ पे दिखेगा, ये जो सर्च बार है ये कहाँ से सेट करेंगे, इसके लिए आप कौन से प्लगइन यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए जो प्लगइन हम यूज़ करेंगे वो प्लगइन है सर्च के नाम से है, ये प्लगइन है, ठीक है, एडवांस वू कॉमर्स सर्च। अगर आप इसका डिटेल देखना चाहें तो डिटेल भी देख सकते हैं, ये जो किस तरह से दिखता है ये देखें, ठीक है। एडवांस वू कॉमर्स सर्च के नाम से प्लगइन है, ये प्लगइन आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक कोड होता है, वही कोड हमें डालना होता है, अगर कोड लेना हो आपको तो आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोड मिलेगा, ये कोड मिलेगा, ठीक है। आप ये कोड यहाँ पे ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। सर्च फॉर्म जो है, ये आपके सर्च फॉर्म जो मैंने वहाँ पे डाल रखा है वही वही फॉर्म है, और ये मैंने ये सर्च इस तरह से रखा है, तो आप विदाउट अगर आइकन रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए सर्च हेयर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ ना, अगर मैं यहाँ पर यही चीज़ चेंज कर लूँ, सर्च हेयर प्रोडक्ट्स के बजाय सर्च प्रोडक्ट्स कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, सपोज़ मैं इसको अभी सेव करके दिखा रहा हूँ, तो लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से हम इसको सेटअप करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सर्च प्रोडक्ट्स, ठीक। तो इस तरह से आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप किस तरह से चेंज करना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद हम ये जो सर्च बार हमने लगाया है वो कहाँ से लगाया हमने वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मल्टी हेडर है, तो उन हेडर में से ये हमने जो चूज़ किया ये वाला हेडर है जो हमने चूज़ किया है, और जो अभी सर्च बार का जो कोड है वो कोड इसी में है, नीचे को है, ये है, ठीक है। ये जो दिख रहा है सर्च बार का जो कोड है आपका यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है सर्च बार का कोड, मैंने आपको जो पहले ही बताया कि ये कोड हमें यूज़ करना है, ये वाले जो कोड है ये कोड हमें यूज़ करना है, वही कोड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कस्टमाइज पे, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाला तो यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि हेडर की, ये हेडर हम कहाँ से लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो हेडर के लिए भी एक सिंपल ऑप्शन है, आप हेडर के लिए आप यहाँ पे जाइए, अपेयरेंस में जाइए, उसके बाद मेन्यूज़ में आइए, वहाँ पे उसके बाद आप जो भी हेडर्स बनाना चाह रहे हैं, ये सारी हेडर्स जो भी बनाना चाह रहे हैं आप वो हेडर बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉप टॉप मेन्यू के नाम से बना रखा है, यहाँ पे मेन मेन्यू, प्राइमरी प्राइमरी मेन्यू, बहुत सारे मेन्यू के नाम से मैंने बना रखा है इसमें ऑलरेडी। तो आपका जो हेडर दिख रहा है ये वाला हेडर मेन मेन हेडर के हैं, हेडर का मेन्यूज़ वगैरह हैं, इसमें मेन्यू सब मेन्यूज़ दोनों हैं, सब आइटम भी हैं, तो ये सारे मेन्यूज़ लगे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ तक ये सारे मेन्यूज़ लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप बात कर लें ऑर्डर ट्रैकिंग की और सपोर्ट टिकट की, तो ऑर्डर ट्रैकिंग और सपोर्ट टिकट के लिए आपको एक प्लगइन का यूज़ करना पड़ेगा, वो प्लगइन का आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो प्लगइन आपको जो यूज़ करना है वो है ऑर्डर ट्रैक के नाम से, ये वाले प्लगइन है, ठीक है। तो वो प्लगइन की मैं डिटेल दिखा देता हूँ, वो कौन सी हैं, ऑर्डर ऑर्डर प्लगइन, मतलब आप सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो, कॉमर्स के अंदर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये देखें, ये आपका के स्टेटस एंड ऑर्डर प्लगइन है, आप यहाँ पे इसका डिटेल देखना चाहें आप देख सकते हैं, इस तरह के डिटेल हैं ये, ठीक है।
तो यहाँ पे आप सेटिंग पर क्लिक करके आप पूरा देखना चाहे इसका किस तरह से क्या है नहीं है, तो पूरा देखा जा सकता है। यहाँ पे इस तरह के ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। इसका ये प्लगइन हमने इसके लिए यूज़ किया है सपोर्ट एंड इसके लिए ट्रैकिंग के लिए। अब रही बात यहाँ पे जो कैशबैक का ऑप्शन है, वो कैशबैक का ऑप्शन हमने कौन सी चीज़ से यूज़ किया है, तो कैशबैक बड़ा सिंपल ऑप्शन है कि अगर आप किसी को कोई कैशबैक देना चाह रहे हैं, जैसे कि आप ये सोच रहे हैं कि आप मेरे पास कोई 500 रुपये का ऑर्डर करता है, तो मैं उसको 200 रुपये के बजाय ना 500 रुपये के बजाय मैं उसको पास से 499 रुपये लूँ या 10 रुपये उसको कैशबैक दूँ, तो इस तरह के आप दे सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट ऑर्डर पे जब वो ऑर्डर करे तो वो 10 रुपये उसको उसमें उस ऑर्डर पर मिल जाए उनको, मतलब बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। एंड आप इसको कैशबैक की शक्ल में दे सकते हैं ताकि वो बंदा आके दोबारा क्या नाम है आपके बिजनेस पे काम कर सके, या बिजनेस मतलब ऑर्डर कर सके, दोबारा ऑर्डर कर सके। एक तरह की बिजनेस करने की एक ट्रिक्स है कि आप उसको कैशबैक दे, जैसे कि पेटीएम वगैरह करते हैं, तो इस तरह का अगर आपको कैशबैक देना हो तो वो कैशबैक का ऑप्शन भी आप इसमें इनेबल करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ओकॉमर्स प्रोडक्ट फिल्टर यहाँ पे कैशबैक के जरिए ये प्लगइन है टेरा वॉलेट के नाम से है, तो यहाँ पे वॉलेट की तरह दिख रहा है, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ वॉलेट, ठीक है। ये है टेरा वॉलेट के नाम से, तो ये प्लगइन आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या आपको क्या सारी चीज़ें मिल जाएंगी, देखने को मिलेगा हाँ कि क्या क्या चीज़ें हैं नहीं है, कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कौन, और उसका यूज़ किस तरह से करें, सब चीज़ इसमें एक सेटिंग में दिया हुआ है, वो आपको मैं सिंपल खोल कर दिखा देता हूँ। जैसे ये है, ये इसका डैशबोर्ड है कि आप मिनिमम ऑर्डर कितना रखना चाह रहे हैं, मैक्सिमम ऑर्डर कितना रखना चाह रहे हैं, और मिनिमम ऑर्डर पे कितना का आप वो देना चाहेंगे क्या नाम कैशबैक देना चाहेंगे, तो इसमें सारी चीज़ इसमें के ए टू जेड दिए हुए हैं, आपको बस कस्टमाइज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे कैशबैक मैंने रखा है कि 200 रुपये का अगर मिनिमम ऑर्डर करेगा बंदा तो ये 20 रुपये का पाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कैशबैक अमाउंट जो है यहाँ पे 50 रुपये तक दिया गया है, यानी 2000-3000 तक का ऑर्डर करता है तो उसको जो 50 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप जो भी जैसे भी करना चाहे सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ पे सर्च बार, ये सर्च बार ये बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे आप ये वाले जो मेन्यू है ये वाले मेन्यू भी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आया हुआ है, इस थीम के अंदर ही है। बट अगर इसको अगर नहीं रखना चाहेंगे तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हटा दें, तो ये मेन्यू जो आपको मिलेगा आपको यहाँ पर जाएंगे कस्टमाइज़ के अंदर, यहाँ अपेरेंस के अंदर कस्टमाइज होगा, उसके अंदर आपको वहाँ पर मिलेगा किधर गया अपीयरेंस, जी अपीयरेंस, उसके बाद एक कस्टमाइज है, कभी कभी घूम मतलब वो तलाश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये भी आपको मिल गया, यहाँ पे ये भी चीज़ मिल गई, ये चीज़ मैं आपको जो दिखा रहा था ये चीज़ कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा ये जो ये मेन्यू है, ये मेन्यू अगर आपको लगाना हो तो वो कहाँ से लगाएंगे, तो ये जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट भी है ये, लेकिन आप खुद से लगाना चाह रहे हटाना चाह रहे तो आप हटा सकते हैं लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए ये मेन्यू हमबर्ग के नाम से है, यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं और इसको डीएक्टिव भी करना चाहें डीएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि यहाँ पे जो सलाड है, यहाँ ये जो वर्ड रखा गया है यहाँ पे इस तरह के सलाड हैं, तो ये सलाड किस तरीके से बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इसके लिए जो हमने जो यूज़ किया है जो सलाड हमने यूज़ किया है वो सलाड आप वो सलाड यूज़ किया गया है, सलाड रेवोल्यूशन के नाम से है एक प्लगइन है, ये प्लगइन कस्टमाइज है, इसको हमने इसको इसमें इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो ये सलाड रेवोल्यूशन भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके इसको ये सलाड हम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है ये शोकेश है, मतलब ये लोगो शोकेश है, तो ये लोगो शोकेश के लिए हमने जो यूज़ किया है वो आपको मिलेगा, जो प्लगइन है ये है लोगो शोकेस, ठीक है।
ये प्लगइन हमने यूज़ किया है इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो बटन दिख रहा है, यहाँ पे हमने पेज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। चलिए हम इसको देख लेते हैं, इसके होम पेज पे देख लेते हैं होम पेज पे हमने क्या क्या किया है इसके लिए। तो मैं इसका होम पेज ओपन करता हूँ और होम पेज ओपन करके मैं एक एक सबको दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप अगर इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहें तो बिल्कुल ईजिली तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वर्डप्रेस की या वो कॉमर्स की, तो आप बिल्कुल ईजिली तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जो अभी हमारा होम पेज है, होम पेज फ्रंट पेज, ये वाला होम पेज है, ठीक है। अब मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, एडिट करके दिखाता हूँ कि आपको किस किस तरीके से, कहाँ कहाँ तरीके, कौन कौन से तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होम पेज आ गया। यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने इधर रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रखा, उसके बाद फिर ये वाली हेडिंग रखा है, ये हेडिंग रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ये हेडिंग रखा है, उसके बाद फिर ये यहाँ पे दिख रहा है, ये स्लाइड है, ये स्लाइड रेवोल्यूशन के नाम से एक स्लाइड है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या मैं ये रखता हूँ यहाँ पे आगे, ये वाले हैं, इसको मैंने टैब रखा है। इस पेज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, इन्हें बारह बारह वाले हिस्से में डिवाइड किया था मैंने इसको, ठीक है, बारह हिस्सों में से डिवाइड किया है। दो हिस्से मैंने इधर के एक हिस्से छोड़ दिया है, और बीच का दसवां हिस्सा यूज़ किया हमने। यहाँ से ये तक एरिया है, उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर इसके अंदर फिर दो हिस्से मैंने किया है, एक हिस्से पे मैंने इसका टैब यूज़ किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसका ये कस्टम ऑफर हेडर है, ये वाला हेडर है, ठीक है। तो इसमें भी एक हिस्से मैंने कस्टम यूज़ किया है, और यहाँ पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रखा है, यहाँ पे ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद नीचे को आ जाइए, नीचे को यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे जो पॉपुलर कैटेगरी दिख रहा है, ये कैटेगरी यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रखे गए, और यहाँ पे एक हाउ टू वर्क के नाम से जो दिया गया है, यहाँ पे आपका ये है हाउ टू वर्क, ये है, ये हाउ टू वर्क है। यहाँ पे भी हमने इस तरह से यूज़ किया, एक सिंगल इमेज है वो। और उसके बाद अब नीचे आ जाइए, हाउ टू वर्क के बाद यहाँ पे ये वाली जो इमेज है, तो इसका भी हमने एक इसी तरह का यूज़ किया है। बट आपको जो इमेज है, बैकग्राउंड की इमेज जो दिख रही है, वो इमेज जो हमने यूज़ किया उसके, वो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से यूज़ किया हूँ। वो आप देखेंगे यहाँ पे, ये सारे कॉलम हैं जो इसका बैकग्राउंड की जो इमेज यूज़ किया गया है, वहाँ पे ये देखिए, ठीक है। तो ये इस पर मैंने क्लिक कर देता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ये इमेज मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक। और इसमें बिल्कुल सिंपल है, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ईजिली तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ इसमें दी हुई हैं, अगर जैसे सपोज़ कि जैसे आपको प्रोडक्ट सर्च करना हो तो प्रोडक्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सर सपोज़ कि आपको स्लाइड लेना हो, बस सिर्फ नाम डालिए और आ जाएगा आपको, ठीक है। अब उसका तो सिर्फ सेटअप करना रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। उसका ये मैं अपडेट कर देता हूँ, जब सारी चीज़ चेंजेस हो गए तो अपडेट करते हैं। ये तो रही होम पेज की। अब रही बात ये प्रोडक्ट्स की, जो प्रोडक्ट्स हम किस तरीके से डालेंगे नहीं डालेंगे, तो प्रोडक्ट्स भी नॉर्मल है, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है इस पर। जैसे कि आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे ये है पालक है, तो इसका प्रोडक्ट्स हम ये, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी अगर ऑर्डर करना चाहें तो आप ऑर्डर व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप पे ऑर्डर इस तरह से कर सकते हैं कि आप यूज़र को ये भेज सकते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये इस तरह का चाहिए, उसका तो वहाँ पे उसको यूज़र को बताएंगे, तो यूज़र को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है हमें चाहिए। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप से ऑर्डर लेना चाहें तो व्हाट्सएप से भी ऑर्डर ले सकते हैं, नियर बाय यू, मतलब आपके जो नियर बाय हैं उस तरह से, तो ये आप करना चाहें तो बिल्कुल ईजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। खैर, ये तो मैं हो गई बात इसकी। अब बात आ गई प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट किस तरह से डालेंगे, प्रोडक्ट एडिट करना है प्रोडक्ट में, अगर आप उसे कस्टमाइज़ करना है, उसके जो आपको डमी एडिट करना है, जो मल्टी रेटेड एडिट करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट यहाँ पर डालना चाहें तो आप यहाँ से न्यू प्रोडक्ट के डाल सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट की रेट चेंज करना है, हमें एक ही रेट रखना है, सबको रखना है एक ही रेट, तो आप एक ही रेट भी रखना चाहें रख सकते हैं। 20-20 प्रोडक्ट के एक साथ चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को चेंज करना चाहें या किसी भी कैटेगरी को चेंज करना चाहें, वो चेंज कर सकते हैं। आप चूज़ करेंगे, उसके बाद टैग डालेंगे, प्राइस डालेंगे, जो भी आपको चेंज करना है आप वो ईजिली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो पेजेस वगैरह हैं, तो पेजेस वगैरह भी सिंपल इसी तरीके से यहाँ से बना सकते हैं। कुछ न्यूज़ वगैरह हैं, तो न्यूज़ आप यहाँ ब्लॉग से पोस्ट के नाम से या पोस्ट के नाम से कुछ न्यूज़ वगैरह डाल सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं,
आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, दी हुई हैं। उसके बाद आपके SEO का आ जाते हैं, जैसे योस्ट वगैरह के यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो खैर इस तरह का अगर आपको खुद को बनाना हो तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपका कोई इस सिलसिले में कोई सवाल है, कोई रिकमेंड है कि मैं किस तरह से बनाऊँ, कोई मतलब का कस्टमाइज बना के दिखाया जाए, तो अगर आप इस सिलसिले में कोई आपका सवाल हो तो आप सवाल हमें भेजिए। या फिर का ये कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा A to Z जिस तरह से ये हमने बना रखा है, अगर इसी तरह से मैं आपको दोबारा बना के दिखाऊं तो भी मैं दिखा सकता हूं। बट अगर आप चाहते हैं तब मैं आप सवाल कीजिए या कमेंट कीजिए, यूट्यूब में आप कमेंट्स कीजिए या फिर डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद मैं पूरा A to Z में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा जी किस किस तरीके से आप इस तरह की जो वेबसाइट है आप वो बनाना चाहें बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी बना ईजीली बना सकते हैं। वो भी आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 1-2 दिन में आप बना लेंगे जी। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए इस तरह का लग रहा है। और आज के डेट में जो लॉकडाउन का दौर है, इस लॉकडाउन के दौर में इस तरह की जो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट हैं या ई कॉमर्स की इस तरह से वेबसाइट हैं, ग्रॉसरी की वेबसाइट हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्योंकि लोग जो है घर में से बैठे हुए हैं, और घर में लोगों के पास काम धाम तो है नहीं, बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है, पुलिस जो है तंग कर रही है। तो ऐसी सूरत में अगर आप घर से ही सारी चीज़ें मंगा सकते हैं, फल फ्रूट्स वेज और इस तरह से आपके दाल पल्स वगैरह दूध, ये सारी चीज़ें अगर आप जो डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर वो आप घर से मंगा सकते हैं तो कितनी बहुत अच्छी बात है, और वो भी चीप एंड बेस्ट रेट में। तो खैर आपको अगर चाहते हैं या आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। या आपको इस तरह से वेबसाइट अगर आपको खुद से बनानी हो या बनवानी हो तो हम सारे तरह के वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा जो आपको कस्टमर की भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। और ये वेबसाइट जो दिख रहा है ये मैंने खुद ही बनाया है, इसमें एक मोस्टली चीज़ें जो मैंने खुद ही एडिट की है, खुद ही इसको डिज़ाइन किया हूँ मैं। तो खैर इस तरह की कोई भी चीज़ हो, आप किसी तरह की वेबसाइट ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल भी मैं दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप खुद से बनाना चाहें तो ही बना सकते हैं, कोई हेल्प की ज़रूरत हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हेल्प करने के लिए आप रेडी हैं। आप आइए हमसे सवाल कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए या कोई कमेंट्स कीजिए, कुछ भी आपके जो भी रिलेटेड सवाल हो, आप इस वीडियो के रिलेटेड सवाल हो आप बिल्कुल हमें करना चाहें कर सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम